विराटनगर को कोटपुतली जिले में शामिल करने का विरोध, संघर्ष समिति नाराज ग्रामीणों के विरोध में जन आक्रोश रैली निकालकर जताया विरोध। संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं ग्रामीण सामूहिक रूप से किया विरोध प्रदर्शन। संघर्ष समिति के मुख्यमंत्री और सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। विराटनगर उपखंड कार्यालय के पास पूर्व में दिया गया था अनिश्चितकालीन धरना। संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्व मंत्री एवं मुख्य सचिव से की मुलाकात। विराटनगर तहसील क्षेत्र की नवागठित कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल करने पर लगी अंतिम मोहर के बाद क्षेत्र अधिकारियों में रोष व्याप्त है। विरोध स्वरूप संघर्ष समिति एवं ग्रामीणों ने विराटनगर कस्बे में विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक का पुतला फूंका। संघर्ष समिति के सदस्यों ने इस निर्णय के खिलाफ काला दिवस के रूप में जन आक्रोश रैली निकाल विरोध प्रकट किया। आक्रोश रैली विराटनगर कस्बे से मंडी मोहल्ले से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए बस स्टैंड पर पहुंची, जहां सारे नारे लगाते हुए संघर्ष समिति सदस्य एवं ग्रामीणों ने विधायक विराटनगर इंद्राज गुर्जर का पुतला जलाकर विरोध जताया। सत्यनारायण सैनी भाजपा नेता ने बताया कि विराटनगर तहसील को पूर्व में की भांति जयपुर जिले में शामिल रहने की मांग को लेकर विराटनगर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया गया था। सामूहिक रूप से बाजारों को बंद रख संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री, राजस्व एवं मुख्य सचिव के मुलाकात कर विराटनगर तहसील क्षेत्र को जयपुर जिले में शामिल रखने की मांग की गई थी। कार्यालय पर बेहतर दिन धरना दिया है और हमने अब से दो बड़ी सभाएं भी करी है, जिसमें पूरी क्षेत्र से तहसील के मार्केट बंद रहे हैं और जनभावनाओं का साथ हमें मिला है और हज़ारों की संख्या में भीड़ हमारे साथ उपस्थित रही। उसको लेकर हम उस जनभावनाओं के साथ हम मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिले और 2 बार हम राजस्व मंत्री से मिले और हमें आश्वस्त किया गया था कि विराटनगर तहसील को जयपुर जिले में यथावत रखा जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल विश्वास रखिए, आपको कोई भी जनप्रतिनिधि की एक की इच्छा के अनुसार काम नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। इसके खिलाफ हमने आज एक विधायक के प्रति विरोध में उनकी एक शोभा यात्रा निकालकर उनका पुतला फूंका गया है और हम आगे भी हमारी ये संघर्ष की यात्रा जारी रखेंगे और इसके आगे हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे। जो कानूनी हमारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से इसके इस फैसले के खिलाफ हम रिट लगाएंगे और भी हमारे से जो भी संघर्ष समिति तय करेगी उस सारी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और विधायक को अब की बार चुनावों में अब यहाँ से वापस अपने गांव भेजने का कार्य करेंगे। जो क्षेत्र कोटपुतली के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी निजी स्वार्थ के लिए कोटपुतली में ही उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोटपुतली विराटनगर को जोड़ा है, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त जनता यहाँ की विरोध वोट करेगी। बात को मखौल समझता है और लोकतंत्र को एक मजाक समझ करके इसकी कोई सुनवाई नहीं है, जबकि हर दो दौर पर हमने जो भी स्टेज होती हैं लोकतंत्र के दायरे में आती हैं उनको पूर्तियाँ की। 326 पेज का जो है पत्रावली पेश की है, जिसमें सारी चर्चे हैं किस हद तक जिला बन सकता है, किस हद तक नहीं बन सकता है, क्या सुविधा है हमारे को। इन चीज़ों के लिए हमें सरकार ने ये चीज़ें देखी नहीं, कतई इग्नोर कर दिया और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का एक मुद्दा उठाना और उसको इग्नोर कर देना, ये बहुत बड़ी तोहिन की बात है। लोकतंत्र की तोहिन की बात है, ये एक व्यक्ति की तोहिन की बात नहीं। यह व्यक्तिवादिता चलती है, नहीं कि प्रजातंत्र तो है ही नहीं। कहाँ प्रजातंत्र शो होता है आपको, जब 73 दिन तक धरना चला है उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं और इस चीज़ के लिए कतई सोच विचार नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, सरकार के नुमाइंदाओं ने नहीं किया। अब आप बताओ इसमें हम क्या आशा कर सकते हैं इनको। इसलिए जनता चाहेगी तो इस चीज़ को मनवाएगी और मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता इसके लिए हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी आगे भविष्य में। हम इसके लिए 73 दिन नहीं, 7300 दिन हो जाए तो भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा जाएगा, कोई ना कोई अवसर ऐसा आएगा कि हमारी अवसरवादी बातों को निराशापूर्ण नहीं देख करके आशाओं में लेकर के हम इसको पूर्ण कराने की कोशिश कर। जो नए जिले बनाए हैं उसमें विराटनगर तहसील को कोटपुतली जिले में रख दिया है। विराटनगर के लोगों की मांग है कि उनको जयपुर जिले में ही रखा जाए और इसको लेकर के आज विराटनगर मैडकुंडला क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने विराटनगर में विधायक और राज्य सरकार का पुतला दहन किया है, पूरे बाजार में एक रैली निकाली है और सरकार को इस बात की चेतावनी दी है कि विराटनगर तहसील को जयपुर जिले में ही रखा जाए। विराटनगर के लोगों के लिए कोटपुतली बहरोड बिल्कुल भी आवागमन के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए किसी भी तरह से सुगम नहीं है।
हम लोगों के लिए जयपुर से हमारी कनेक्टिविटी है, हमारी शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय सभी कामों के लिए हम लोग जयपुर में जाते हैं, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी के विरोध में, हमारी जन भावनाओं के विरोध में विराटनगर को कोटपुतली जिले में जोड़ा गया है। हम विराटनगर के लोग इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और आज विधायक का हमने पुतला जलाया है, राज्य सरकार का हमने पुतला जलाया है और जोरदार प्रदर्शन किया है। ये उग्र आंदोलन जब तक विराटनगर जयपुर जिले में सम्मिलित नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। विराटनगर तहसील के निवासियों को कोटपुतली बैरोड से जोड़ दिया गया है, ये एक इतिहास में काला पन्ना के रूप में जाना जाएगा। यहाँ की जनता के साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है, बहुत ही विश्वासघात हुआ है, बहुत कठिनाइयों में डाल दिया है। 3 महीने से लगातार आंदोलित थी यहाँ की जनता, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। नतीजन आज आक्रोशित होकर जनता ने विरोध दर्ज कराया है और इसके लिए आगे जो भी लड़ाई होगी हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर से हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ की जनता की बड़ी भारी पीड़ा है जो उनको कोटपुतली बैरोड में जोड़ दिया गया है। उम्मीदें कैसे नहीं है, लोकतंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी होती है। आज नए जिले बने, कल यहाँ भी नया जिला बन।